हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग से हम करने वाले हैं एक खूबसूरत सफर की शुरुआत और हम करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के दर्शन जहां पे 9 ज्वालाएं लगातार जलती आ रही हैं सदियों से। विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भी विफल हो गए इस राज को खोजने के लिए कि क्यों ये ज्वालाएं जलती है बिना तेल के। मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे व्लॉग पे बने रहिए। चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग सही सलामत हैं। हम जा रहे हैं टुवर्ड्स धर्मशाला। हम दिल्ली लैंड कर चुके थे सुबह 4 बजे। हम थोड़ा सा फ्रेश होके 6 बजे के अराउंड दिल्ली से निकल गए टुवर्ड्स धर्मशाला। और जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली में बहुत डेंस फॉग है। आज है 25 दिसंबर 2023 और अभी बहुत ही डेंस फॉग है यहाँ पे। सुबह का 9:30 बजे है। अब इससे भी बदतर डेंस फॉग था। अभी तो फिर भी थोड़ी सी क्लैरिटी दिख रही है आप सब लोगों पर, ये तो कुछ भी नहीं है। हम अभी पहुंच चुके हैं पंजाब। दिल्ली क्रॉस करके, हरियाणा क्रॉस करके पंजाब में पहुंच चुके हैं। आई थिंक चंडीगढ़ क्रॉस कर चुका है या नहीं, शायद आसपास ही है। तो उसके पास हम अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। अभी बजे हैं 10:30 के अराउंड और देख सकते हैं बहुत ठंड है यहाँ पे। 25 दिसंबर का है दिन और देख सकते हैं। और अभी थोड़ा सा फॉग भी हल्का हल्का कम भी हो चुका है। तो अभी नाश्ता वाश्ता करके हम निकल लेते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि कौन सा पॉइंट्स आज कवर होता है वैसे। और ये देखिए हमारे पंत भाई जिनके साथ हमने ये तीसरी ट्रिप कर रहे हैं उनके साथ हम ये साल। क्या फॉग अभी भी है? गया नहीं है फॉग। तो ये देख सकते हैं गरम गरम मैगी आ गई है। और ये क्या है? ये है पनीर पराठा और चाय। हिमाचल पार्ट 2 सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत है। हमारी एंट्री हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा रीजन के तरफ। दोपहर के तकरीबन 1 या 1:30 बजे हैं और हमको बहुत जोर से भूख लग रही है। हमने सोचा कि थोड़ा सा लंच कर ले यहाँ पे ढाबे में। और देखिए कैसे रोटियाँ भट्टी में बन के बाहर आ रही हैं, देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। कांगड़ा में एंटर करने के बाद और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे हमको जाना है धर्मशाला पर बीच में हम एक पॉइंट पे रुकेंगे। हमें जाना है एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर की तरफ।
और रास्ते में हमको इन खूबसूरत नजारों को देख के बहुत ही मजा आ रहा है। दिल्ली से धर्मशाला का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 12 घंटे लगते हैं, पर हम धर्मशाला ना जाकर पहले ज्वालामुखी मंदिर के तरफ जाएंगे। ज्वालामुखी मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। उसे कहा जाता है कि यहाँ पे माता सती व माता पार्वती का जीव गिरा था, और इसके बारे में बहुत ही रहस्यमय कहानियां भी जुड़ी हैं। हम दिल्ली से सुबह 6 बजे निकले थे और हम लगातार 9 घंटे से ये सफर करे जा रहे हैं और इन खूबसूरत रास्तों का भी आनंद उठा रहे हैं। कुछ ही देर में हम ज्वालामुखी मंदिर पहुंच जाएंगे और आपको वहां के दर्शन करवाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आगे और भी चीजें आने वाली हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर में, तब तक आप इन नजारों को आनंद लीजिए। फिलहाल हम हैं अभी कांगड़ा ज़िले में, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा ज़िले में, और हम अभी जा रहे हैं ज्वालाजी मंदिर। ज्वालाजी मंदिर 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, और सुना है कि वहाँ पे कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि ज्वाला की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, और ये प्राकृतिक रूप से ये अग्नि प्रकट हुई है। तो चलिए चलते देखते हैं सकते हैं। हम यहाँ से आए हैं और नीचे हमने पार्किंग कर ली है कार। अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ज्वालाजी मंदिर की तरफ। ये रास्ता जाता है। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध ज्वाला देवी मंदिर कांगड़ा जिले में कालीधर पहाड़ी पर मौजूद है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ को ज्वालामुखी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग तो इसे जाता वाली माँ का मंदिर के रूप में भी जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को प्राप्त है। माना जाता है कि इस जगह पर माता सती के अंगों में से उनकी जीभ गिरी थी। चलिए आपको इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। हमको तकरीबन 10 घंटे लगे यहाँ पे पहुँचने के लिए। जी हाँ, हम सुबह 6 बजे निकले थे दिल्ली से और अभी बजे हैं शाम के 4। और आप जैसे कि देख सकते हैं, इस प्रसिद्ध मंदिर में हमने प्रसाद का थाल ले लिया है और अभी हम फिलहाल खड़े हैं लाइन में। ऐसे लाइन में सबको देख के बहुत उत्साहित महसूस हो रहा है। सब जय माता दी का जय जयकार लेके सब आगे की ओर बढ़ रहे थे। हिमाचल के इस मंदिर में सदियों से 9 प्राकृतिक ज्वालाएं जल रही हैं। इनका रहस्य जानने के लिए पिछले कई सालों से वैज्ञानिक रिसर्च करने में जुटे हुए हैं, लेकिन 9 किलोमीटर खुदाई करने के बाद आज तक उन्हें वो जगह नहीं मिल पाई जहां प्राकृतिक गैस निकलती हो। आपको बता दें, पृथ्वी से 9 अलग अलग जगहों से ज्वाला निकल रही है जिसके ऊपर मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों का अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगजल, विद्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी, महाकाली के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर
निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद्र द्वारा करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का निर्माण पूरा किया था। इस मंदिर में प्राकृतिक रूप से निकलने वाली ज्वालाओं का रहस्य ना तो सम्राट अकबर जान पाए थे और ना ही अंग्रेजों को इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो सकी। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की खोज पांडवों ने ही की थी। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही नौ ज्वालाओं की पूजा होती है। बता दें कि अंदर हमें कैमरा और वीडियोग्राफी करने की इजाज़त नहीं है, तो हम इस टीवी के माध्यम से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी इस ज्वालामुखी मंदिर के ज्वाला जी माता के दर्शन कर सकें। कहते हैं कि बादशाह अकबर जब इस मंदिर के बारे में सुना तो वो हैरान हो गया। उसने सेना बुलाई और मंदिर के तरफ चल पड़ा। मंदिर में जलती हुई ज्वालाओं को देखकर उसके मन में शंका हुई। उसने ज्वालाओं को बुझाने की बहुत कोशिश की। उसने सेना को मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने के आदेश दिए। लाख कोशिशों के बाद भी अकबर की सेना मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाई। देवी माँ की अपार महिमा को देखते हुए उसने सवा मन 50 किलो सोने का छतर देवी माँ के दरबार में चढ़ाया, लेकिन माता ने वो छतर कबूल नहीं किया और वो छतर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आज भी बादशाह अकबर का ये छतर ज्वाला देवी के मंदिर में रखा हुआ है। हमारे दर्शन ज्वाला जी के अच्छे तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हुई। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया रहेगा और ज्वाला जी के बारे में, उनके रहस्यों के बारे में भी जान के। बने रहिए मेरे चैनल पे, मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आने वाला है। स्टे ट्यून्ड और जय माता दी।